आपके सितारों को हर हफ्ते आपके पास लेकर आता है सास बहू और बेटियां। और आज हमारे खास मेहमान हैं सतरंगी ससुराल के विहान यानी रवीश देसाई, जिन्होंने पूरे 12 घंटे बिताए सास बहू और बेटिया संग। सुबह से लेकर शाम तक, सेट से लेकर घर तक, गाड़ी से लेकर मंदिर तक, यानी दिल से लेकर दिल तक, समुन्दर की रेत से लेकर समुन्दर की लहरों तक, आज आरुषि का विहान खोलेगा अपने जीवन के सारे राज। तो चलिए सुबह सुबह पहुंच जाते हैं रवीश के घर। आप जानना चाहते हैं आपकी जो फेवरेट सितारे हैं वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मतलब घर से सेट तक का सफर। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं आपके प्यारे, आपके फेवरेट विहान यानी रवीश जो। हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज ये हमें बताएंगे कि अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के मैं रनिंग के लिए जाता हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। एंड सिंस अभी मैं घर से थोड़ा दूर रह रहा हूँ तो यहाँ पे जिम विम करने का मौका नहीं मिलता है, रात को लेट पैकअप होता है, नींद पूरी नहीं होती है। तो आई जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि मैं थोड़ा बहुत फिटनेस फिटनेस पर ध्यान रखूँ, रनिंग करूँ। बहुत सारा सामान है तो इस आइस बॉक्स में क्या कुछ है? की चीजें हैं जो मैं दिन भर खाता हूँ, कुछ डाइट की चीजें हैं जिससे सेहत बनी रहती है, कुछ स्प्राउट्स है, नट्स है और थोड़े बहुत प्रोटीन्स है, तो बस यही है। तो चलिए हम सास बहू और बेटियां के साथ मेरे सफर की शुरुआत करते हैं घर से सेट पर। आइए। भाई, सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ करनी चाहिए और चूंकि रवीश का घर मुंबई के जुहू बीच के बहुत पास है, इसीलिए रवीश सुबह सुबह जाते हैं जॉगिंग करने। ट्रैक सूट पहनकर, कैप शैप लगाकर वो पहुंच गए समुन्दर की रेत पर अपने कदम गिनने। तो सेट से पहले हम आए हैं इस बीच पे और आगे तो रवीश ही बताएंगे कि ये यहाँ आके क्या करने वाले हैं। हेलो, मैं रोज सुबह यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी रनिंग करता हूँ। आई थिंक मुझे ये माहौल बहुत पसंद है, सी साइड और बीच पे रनिंग करना। यहाँ बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह देखने मिलता है, 5-5 बजे लोग आ जाते हैं रनिंग करने। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट और ये जो पानी की आवाज आ रही है, जो हवा चल रही है, आई थिंक इट्स जस्ट ब्लिसफुल यहाँ आना। भाई, अब एक्टर हैं तो अपना ख्याल तो रखना पड़ता है, क्यों रवीश कैसे रखते हैं आप अपना ख्याल? फिटनेस तो हर इंसान के जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पहलू होना चाहिए फिटनेस, क्योंकि अभी हम जब यंग है तभी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है, बट ग्रेजुअली जैसे एज होती है बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर हम फिट रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे और अपना माइंड फ्रेश रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो जिंदगी भी उसी तरह आगे बढ़ेगी। जॉगिंग के बाद बारी थी थोड़ा तरोताजा होने की। अब इस मौके पर नारियल पानी तो बनता ही है, यानी सेहत की सेहत और स्वाद का स्वाद। ओ, रिफ्रेशिंग होता है बहुत, आई थिंक मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, और इससे ज्यादा बढ़िया और कोई चीज नहीं होती थर्स्ट क्वेंच करने के लिए। तो मैं तो रोज नारियल पानी पीता हूँ सुबह सुबह रनिंग के बाद और मेरी दिन की शुरुआत इसी से होती है, तो दिस इज माय फेवरेट ड्रिंक। जुहू से अपने गोरेगांव वाले सेट तक पहुंचने के लिए रवीश को लगता है पूरा 1 घंटा, और ये 1 घंटा वो अपनी गाड़ी में बिताते हैं जहां पर उनका म्यूजिक ही उनका सच्चा साथी है। तो कैसा होता है रवीश का घर से सेट तक का सफर? मुझे पुराने गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है और अभी फिलहाल कुछ मेडलीज आई है कोक स्टूडियो की और कुछ अच्छे अच्छे सिंगर्स की, तो वो गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, पीसफुल गाने सुनना अच्छा लगता है। और इतने ट्रैफिक में ऐसा कुछ भी हो जो हमारे माइंड को पीस में रखे। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये मेरा फेवरेट गाना है
मैं आजकल ये बहुत ज्यादा गुनगुनाता हूँ. यू नो फ्री टाइम में मैं हमेशा जिम में रहता हूँ. जितना वक्त हो सके मैं जिम में गुजारता हूँ. मुझे पिक्चरें देखना बहुत अच्छा लगता है, मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है. इंस्पिरेशनल मूवीज हो, यू नो एक्शन मूवीज हो, वॉर बेस्ड मूवीज हो, तो ऐसी पिक्चरें देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. मेरे फैंस यू नो ये तो जानते ही हैं कि मेरी फेवरेट पिक्चर और यू नो मेरा फेवरेट आइकन रॉकी बैल्बोआ है. तो सिल्वेस्टर स्टैलन की पिक्चर्स देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. उसके अलावा मुझे बुक रीडिंग पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है. यू नो अपने फ्री टाइम में यू नो हालांकि जब मैं घर जाता हूँ मरीन ड्राइव पे, तो वहाँ वॉक करने जाता हूँ मरीन ड्राइव पे, म्यूज़िक सुनता हूँ, तो आई थिंक वो मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर है. उसके अलावा हाँ घूमना पसंद है, यू नो दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे. मेरी पर्सनल लाइफ की आरुषि अभी तक मुझे मिली नहीं है, लेकिन मैं ये दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि जल्दी मुझे मेरी आरुषि मिल जाए. सारी चीज़ें मेरे फैंस जानते हैं मेरे बारे में. हाँ बस मेरे कुछ शौक़ हैं जो मेरे फैंस नहीं जानते हैं, कि मैं गाना सीखना चाहता हूँ कभी. यू नो मैंने अभी शुरुआत की थी गिटार सीखने की, लेकिन फिर शो शुरू हो गया तो उतना वक्त नहीं मिला. तो गिटार सीखना और उसके साथ गाना, ये मेरा एक शौक़ है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ. गाड़ी में लंबी यात्रा के बाद आखिरकार हम पहुँचे सतरंगी ससुराल के सेट पर, यानी रवीश का सो कॉल्ड ऑफिस. ये है वत्सला हाउस और अब हम चलते हैं विहान वत्सल से मिलने. तो आइए विहान वत्सल की दुनिया में. तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उनके मेकअप रूम में. इसके साथ रफीश कैसे बनते हैं विहान ये भी जानते हैं. अब हम विहान के कॉस्ट्यूम में आ गए हैं और मेकअप करवा रहे हैं और अब सून हम सेट पे जाएंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सीक्वेंस शूट कर रहे हैं सारी माओं के साथ, तो बहुत मजा आने वाला है आज. नहीं मैं ज्यादा मेकअप करवाता नहीं हूँ, सिर्फ मेरा जो स्किन टोन है थोड़ा सा रेडिश है, मेरा नोज रेड है, तो मैं बस यू नो आई जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि यू नो उसको थोड़ा इवन कर दूं और एक टोन कर दूं फेस को. चलिए अब ऑल टाइम मिल गया, लेकिन सेट पे घुसने से पहले भगवान को याद करना बहुत जरूरी है. भाई विहान सेट पर पहुंच गए हैं और आज उन्हें अपनी सातों माओं के साथ एक ड्रामेदार सीन करना है. वैसे इस मौके पर इनकी माओ ने रवीश की पोल खोली और टांग भी खींची. जी तो अब मैं सेट पे आ गया हूँ फाइनली. विहान वत्सल अपने घर पे आ गए और ये मेरी प्यारी दो बुआज हैं यहाँ पे और इनके साथ हमारा पहला सीन होने वाला है, तो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. क्या है सीन पहला मुझे पता नहीं है. नहीं ये घर आ गया, मतलब घर आ गया नहीं, सेट से घर तक का सफर आज तक ने कवर किया. सॉरी आज तो शूटिंग पे टाइम पर आ गया. आज मैं शूटिंग पे एक घंटा जल्दी आ गया. ओ माई गुडनेस, बहुत इनकी सुबह बहुत बिजी होती है ना. ये उठते हैं फिर अपना पता नहीं क्या कुछ कुछ करते हैं, फिर जिम करते हैं, फिर कुछ 5-6 फोन कॉल्स करते हैं, फिर ये अपना गिटार की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग फोन करते हैं आजा आजा आजा, फिर ये आ जाते. रवि जो है ना आई थिंक नॉटी वर्ड विल फॉल शॉर्ट if we have to explain how naughty Ravish is. He's very naughty. खाने के दांत और दिखाने के. हाँ पूरे पूरे. यानी कुल मिलाकर घर से सेट तक का सफर रहा बेहद सतरंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे रवीश का सीरियल है सतरंगा, जिसकी झलक आपको दिख रही सास बहू और बेटिया ने. किरदारों के उस पार कैसे होते हैं आपके कलाकार, यही कोशिश करता है हर हफ्ते सास बहू और बेटिया. उम्मीद है सतरंगी ससुराल के विहान से मिलकर आपको इनके बारे में कुछ अनजानी बातें पता चली होंगी. मुंबई से पूजा त्रिवेदी के साथ आज तक ब्यूरो.